हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसकी रीडिंग का क्वेश्चन ये है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लोग आपके बारे में सोचते हैं, लोग आपके बारे में सोचते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आप चीजों को मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं। आप जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों में बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। और भी हम कार्ड्स देखेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप जो है आपके अंदर सीखने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है। मीन्स आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपके अंदर पेशेंट होते किसी भी चीज को लेकर। आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि अगर आपने किसी चीज को सीखने का ठान लिया या किसी चीज को आपको लर्न करना है तो आप उसको करके ही रहते हैं। इस तरह का पेशेंट, किसी चीज में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। और भी हम कार्ड देखेंगे। थ्री ऑफ कप्स कार्ड ये बताता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत है और आप जिंदगी को जो है एंजॉय करना पसंद करते हैं। जीवन, आपको ये लगता है कि जीवन जो है, लोगों की नजरों में बता रही हूं मैं कि जीवन बहुत छोटा है और आप हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। इस तरह के व्यक्ति हैं, आप हमेशा फन में बिलीव करते हैं। और भी हम कार्ड देखेंगे। एस ऑफ सोल्स, लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप जो है आपको जीतने का शौक है हमेशा। आप किसी भी चीज में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। हर चीज में आप चाहते हैं कि सक्सेस मिले। इस तरह के व्यक्ति हैं। द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप एक मैजिशियन, मीन्स आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है, अगर आपने किसी चीज को करने का, किसी चीज को पाने का ठान लिया तो वो आप करके ही रहते हैं। और उस काम को करने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं उस चीज को करने के लिए, और जो चीज आप चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हो अपनी बातों से और अपने कामों से। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग लोगों की नजरों में आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। या अगर मेल, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, जो भी ये देख रहा है वो उसी से, ये रीडिंग उसी से मैच कर सकती है। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, मीन्स आपने इतने अप्स एंड डाउन देखे अपनी लाइफ में कि उन परिस्थितियों ने आपको बहुत मजबूत इंसान बना दिया है। आपके अंदर
पावर बहुत है आपके अंदर, बहादुरी बहुत है आपके अंदर, क्षमता बहुत है, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। और भी कार्सन देखेंगे, एट ऑफ सोर्ड्स, आप कभी भी किसी भी स्थिति में स्टक नहीं होते हो। आप अगर कोई सोचे कि आप आपके अंदर वो, मतलब लोग ये ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इतनी परेशानियां आई आपकी लाइफ में, इतने अप्स एंड डाउन देखे, उसके बाद भी आपने कभी भी अपने आप को स्टक महसूस नहीं किया, आपने कभी भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं किया, आपने उन चीजों की जो नेगेटिविटी थी अपने ऊपर उसका असर नहीं पड़ने दिया। और भी हम कार्ड्स देखेंगे, डेथ, आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, आपने बहुत चेंजेस देखे अपनी लाइफ में, और उन चेंजेस को आपने पॉजिटिव वे में लिया, आपने उन चेंजेस से सीखा, चाहे परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही, तब भी आपने उन परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा आपने ली उन परिस्थितियों से। और भी हम कार्ड देखेंगे, द स्टार का कार्ड है, आप बहुत नेम एंड फेम मिला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टार, यहाँ पर स्टार की एनर्जी मीन्स आपने अपने आप को हील किया, आपने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आज आपका जो कुछ भी हो, आप जो भी आपका वजूद है आज, वो इसी कारण से कि आपने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपको, आपने हर परिस्थितियों का सामना खुशी खुशी किया, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो ये जो है वो ये बताता है कि आपके अंदर सबर कूट कूट कर भरा है, आपने भले ही कितने ही उतार चढ़ाव आए, बट आपने अपना पेशेंस लेवल जो होता है उसको उस पे कंट्रोल करके रखा, ऐसा नहीं कि आप विचलित हो गए परिस्थितियों से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपके अंदर वो फुल पावर है, फुल एनर्जी है, वो फुल स्ट्रेंथ है कि अगर आपको जरा सा भी किसी भी चीज का सपोर्ट मिले तो आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हो। और भी कार्ड्स हम देखेंगे, फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपने जीवन से कभी भी हार नहीं मानी, आप निरंतर आगे बढ़ते रहे या बढ़ती रही। हाई प्रिंसेस, लोगों की नजरों में आप बहुत एजुकेटेड हैं, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपने बहुत कुछ सीखा, आप बहुत एजुकेटेड भी हो सकते हैं, और आपने हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुनी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपने कभी भी गलत काम नहीं किया, आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया, भले ही लोगों ने आपके साथ धोखा किया, बट आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं की। टेन ऑफ सोर्ड्स, हालांकि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे जीवन में, हर चीज का सामना देखा, पैसे की परेशानियां देखी, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपने ने आपका साथ नहीं दिया, तब भी आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आपको क्या गाइडेंस साईं बाबा दे रहे हैं। ये थी आपके बारे में, ये जो रीडिंग थी ये थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई होप आपसे रिजोनेट करे। और अब हम कार्ड्स देखते हैं कि बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या सैडनेस एंड ग्लेडनेस। बाबा आपको बोल रहे हैं कि दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है। ड्रीम्स, बाबा आपको कह रहे हैं कि बाबा हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू आने वाली जो सिचुएशन होती है, आने वाली जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में आपको पहले से ही अवेयर कर देते हैं। तो बाबा आपको ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको अपने ड्रीम्स पर को बहुत ध्यान में रखना है। अगर कोई आपको ड्रीम्स आता है, कोई आपको ऐसा ड्रीम्स आता है जो कि किसी घटना के बारे में बताए, तो आप उसको हमेशा ध्यान रखें। वो आने वाले घटनाओं का होने वाला, जो आने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में बाबा आपको सचेत करेंगे। और बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि यू आर यूनिक। बाबा कह रहे हैं कि आपकी जर्नी जो है वो अलग है, मींस आपको अपने आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। जर्नी यूनिक क्यों है? क्योंकि बाबा ने आपको इसीलिए इन चीजों में डाला। आपको जो लोगों से परेशानियां मिली, आपको जो लोगों से धोखे मिले, जो आपको लोगों ने चीट किया, वो इसीलिए की है। ये बाबा की ही, बाबा का ही ये बोल सकते हैं रचा हुआ, क्या बोलते हैं, रचा हुआ एक चक्रव्यूह है जिसके माध्यम से आज आप आगे बढ़े। और आपको इतना स्ट्रांग बनाया इन परिस्थितियों ने ही। अगर आपके जीवन में ऐसी बुरी परिस्थितियां और इतनी परेशानियां, इतने उतार चढ़ाव बाबा ने आपको इसीलिए दिए ताकि आप एक स्ट्रांग पर्सन बन सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसलिए बाबा आपको कह रहे हैं कि आप बहुत यूनिक हो, आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई राम, जय माता दी।